परीक्षा में शामिल होने वालों का परिणाम नहीं होगा जारी। आरएएस भर्ती 2021 से हाई कोर्ट ने खारिज किया प्रार्थना पत्र। आरएएस भर्ती 2021 से जुड़े उन अभ्यर्थियों का मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने की अनुमति देने से हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल की बेंच ने इनकार करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनका परिणाम सीलबंद लिफाफे में रखने के आदेश दे रखे हैं, इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया है कि आयोग ने मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है, ऐसे में उनका परिणाम भी जारी किया जाएगा ताकि उन्हें साक्षात्कार के लिए तैयार करने का पर्याप्त मौका मिल सके। हाई कोर्ट के पूछने पर आयोग की ओर से कहा गया है कि अभी इंटरव्यू की तिथि तय नहीं हुई है। प्रकरण के अनुसार हाई कोर्ट की एकल पीठ ने प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए विवादित प्रश्नों को लेकर परीक्षा परिणाम को रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट ने 4 प्रश्नों की जांच विशेषज्ञ टीम से कराने के आदेश देते हुए 1 प्रश्न का विकल्प बदलते हुए 1 प्रश्न को डिलीट भी किया था। एकल पीठ के इस आदेश पर खंडपीठ ने रोक लगा दी थी। एकल पीठ में याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थी ने सुप्रीम कोर्ट में SLP पेश की थी।